नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है छठ पूजा व्रत की 4 दिन की सरल और आसान पूजा विधि। छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है जिसमें बहुत कठिन नियमों का पालन करना होता है, या जूं कहें कि जे एक तरह की तपस्या होती है। छठी मैया प्रसन्न होकर सभी माताओं बहनों को आशीर्वाद देती है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। नहाए खाए में लौकी की सब्जी, चने की दाल या फिर अरहर की दाल खाई जाती है। मसर की दाल ना खाएं। फिर खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी और फल छठी मैया को बोगल गाकर अग्यारी करके शाम के समय खरना का प्रसाद खाते हैं। तीसरा दिन जो छठ व्रत का दिन होता है, इस दिन संध्या को अर्घ देते हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं पीते हैं। खरना का प्रसाद खाने के बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। पूरी रात, पूरा दिन, फिर दूसरी रात, उसके बाद उगते सूर्य को चौथे दिन अर्घ देकर हम लोग पारण करते हैं। जो संध्या का अर्घ होता है उसमें डाला सूपा सब सजाकर छठ घाट पर आते हैं, डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। कमर तक पानी में माताएं बहनें खड़ी रहती हैं। वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, पूरा टाइम जलता रहे। सूर्य देव को अर्घ देते हैं, छठी मैया के लिए अग्यारी करते हैं। सभी माताएं बहनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। जय संध्या का पूरा नियम होता है। फिर रात को निर्जला व्रत होता है। फिर सुबह भोर में सभी माताएं बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर घाट पर पहुंच जाती हैं उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। वहाँ पर अर्घ देकर पूजा करके जलता हुआ दिया लेकर आती हैं, जलती हैं, नंगे पांव आ जाती हैं। उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा करके घर आकर सभी को प्रसाद वितरित करके खुद ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करती हैं। ये तो होगी 4 दिनों की पूजा विधि। अब मैं बात करूं छठ पूजा के सवाल जवाब के बारे में। क्या पहला सवाल है, हर बार नए वस्त्र धारण करना जरूरी है? नियम तो यही है कि इस व्रत में व्रती महिलाएं नया वस्त्र धारण करें। आप अपने बजट के हिसाब से सस्ती साड़ी लेकर भी व्रत पूजन कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं 2 साड़ी लेती हैं, एक खरना पूजा के लिए, एक संध्या अर्घ के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप 1 साड़ी लेकर उसी से खरना पूजा करें, उसके बाद उसे धो सकती हैं और संध्या अर्घ के लिए पहनें। अगर आप पहली बार 2 साड़ी लेते हैं तो हर साल इस नियम का पालन करें। डलिया सूपा हर साल नया लेना चाहिए। जी हाँ, डलिया सूपा पीतल और बांस का लिया जाता है। अगर आपके पास बांस का डलिया सूपा है तो आपको उसे एक बार पूजन करें, दोबारा उससे पूजन नहीं करते। और अगर धातु का सूपा है तो आप एक बार पूजन करने के बाद भी हर साल उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंदूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। जी हाँ, सिंदूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। नाक से लेकर पूरी मांग भर सकती हैं। जो आप छठ पूजा में प्रयोग करेंगे, डलिया सूपा पर टीका लगाएंगे, सभी महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं तो अलग से सिंदूर लेकर जाएं। प्रसाद, जिसे चूल्हे पर डेली भोजन पकाती हैं उस पर प्रसाद नहीं बनाया जाता। पुराने समय की नियम की बात करें तो मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता था। आजकल शहरों में मिट्टी का चूल्हा नहीं मिलता, तो ऐसे में आप एक बर्नर वाला गैस चूल्हा ले सकते हैं। उस पर आप भोग प्रसाद बना सकती हैं। जिस पात्र में रखकर हम बार बार आलता लगाते हैं, उसी पात्र से छठ पूजा में आलता ना लगाएं। आलता का डिब्बा आपको बार बार नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप साफ पात्र में आलता निकाल कर आलता लगाएं, बार बार उसी से अपने पैरों में लगाएं और फिर वही आलता आप छठ पूजा में ना लगाएं। सिंदूर और चूड़ी नहीं लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।